नमस्कार जातियों, कई दिनों के अंतराल के बाद आज हम वापस अपने प्रकरण पे आते हैं और हमारा जो प्रकरण था वो था अभ्यास 3.5 और अभ्यास 3.5 का हम पहले प्रश्न का पहला दे रहे हैं और पहला प्रश्न है इसका 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण में ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस द्विघात समीकरण के हलों का अस्तित्व है या नहीं है और यदि हलों का अस्तित्व है तो हल किस प्रकार के होंगे, तो हमें कैसे इसको हल करना विचार रखते हैं। हमें समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 की ax² + bx + c = 0 से तुलना कर ले। हम इन दोनों की तुलना करेंगे। इस समीकरण की समीकरण के मूल रूप से तुलना करेंगे तो a बराबर तो होता है इसमें x² का गुणांक आ गया 2, b बराबर में x का गुणांक और x का गुणांक है इसमें -3 और c बराबर होता है अचर पद और अचर पद का मान है इसमें 5। अब अपन को b² - 4ac का मान निकालना है तो b का मान है -3 - 3² - 4 × a का मान 2 और c का मान 5। -3² = 9, 4×8 = 40, ये हो गया -40। अब 9 में से -40 गए और -6 = 31 आ गए। अब आपको मैंने बताया था जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो समीकरण के हलों का अस्तित्व नहीं होता। यहाँ लिखेंगे चूंकि b² - 4ac 0 अतः समीकरण के हलों का अस्तित्व नहीं है। समीकरण के हलों का अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से हमें इस समीकरण की प्रकृति देख करके यह बताना है कि समीकरण के हलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो इस समीकरण के तो हलों का अस्तित्व ही नहीं है। और इसका देखेंगे पांचवा, देखिए इसका पांचवा है इसी का और पांचवे में है समीकरण हमारा 4x² + 5x + 5 = 0। तो यहाँ दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5 आती है। अब b² - 4ac का मान निकालेंगे तो b का मान है 5, तो 5² - 4×a का मान 2 और c का मान 5, तो 5 का वर्ग हो गया 25 - 4×8 = 40। 25 में से 40 गए तो माइनस के 15 आ गए, इसलिए भी b² - 4ac का मान -15 आ गए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि b² - 4ac < 0 है अतः समीकरण के हलों का अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से करेंगे हम इसका तीसरा पांचवा सवाल। हम देखेंगे इसी का पहले का ही सवाल नंबर दे रहे हैं हम छठा, और इस छठे सवाल में 3x² - 2x + 1/3 = 0 इसकी प्रकृति निकालनी है हम तो हल। तो हमने लिखेंगे समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो a बराबर तो आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -2 और c बराबर आ जाएगा 1/3। b² - 4ac का मान निकालेंगे तो b का मान है -2 - 2² - 4 ×
a का मान 3 और c का मान 1/3, 3 से ये 3 निकल गया, माइनस 2 का वर्ग 4 और ये बचे -4, 4 में 4 गए तो 0 बचे। अब 0 के बराबर आ गया यहां पे उनके b स्क्वायर यानी 3 है, उनके b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अतः समीकरण के अवयव का अस्तित्व होगा, समीकरण के अवयव का अस्तित्व होगा तथा समीकरण के दोनों हल वास्तविक एवं समीकरण के दोनों हल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। इस तरीके से हम इसका पहला सवाल करेंगे। पहले सवाल में 6 सवाल हैं, 3 मैं आपको समझा चुका हूँ, इन तीनों को तो आपको करना ही है, बचे हुए सवाल आपको रखोगे में करके देखने। अब हम देते हैं इसका प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 का जो हमारा सवाल ले रहे हैं हम पहला, और इसका पहला सवाल है एक द्विघात समीकरण दिया है के एक्स और स्टडी में एक्स माइनस के 2 + 6 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण में अपन को के का मान ज्ञात करना है। के का मान जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो, ये कंडीशन दी हुई है इसमें कि एक समीकरण है के एक्स कोस टेन में एक्स माइनस 2 + 6 = 0 और के का मान इसमें तब निकालना है जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। कैसे करेंगे हम देखो, समीकरण अपन को दिया है के एक्स कोस तक एक्स माइनस 2 + 6 = 0, तो अपन को पहले इसको हल करना होगा। के एक्स का गुणा एक्स से करा तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का माइनस 2 से करा माइनस 2 के एक्स और ये +6 = 0। तो यहाँ ए बराबर तो हो गया के, बी बराबर हो गया -2 के और सी बराबर हो गया 6। अब कंडीशंस ने अपन को दी है उनकी समीकरण के मूल वास्तविक एवं समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो ये कंडीशन होती है हमारी d² - 4ac = 0। तो यहाँ से मान रखेंगे इसमें तो b का मान है -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है k और c का मान है 6 = 0। -2k का मान करेंगे तो ये हो गए 4k² और इन तीनों का गुणा करा तो माइनस के ये आगे 24k = 0। तो 4k² -24k को उधर भेज दिया हमने, +24k हो गया k से इसकी घात कट गई, ये आ गया 4k = 24। तो k बराबर आ गया 24/4, k बराबर में आ गया 6, क्योंकि 4 से 24 की दीवार कट गया 6 बार, तो k बराबर में आ गया 6। इस तरीके से हम k का मान प्राप्त करेंगे जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। शेष चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।